जन तेरा तू आपे सरदार लागे सिमर सिमर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वत संगतां दे चरणां च बेनती है भाई, जिवें कि तकरीबन सारी संगतां नूं इलाका निवासियां नूं सब नूं पता ही हुंदा है भाई कि 2 दिसंबर नूं धन धन शहीद जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी का जन्म दिहाड़ा हुंदा है, जो कि 18 मगर दा बनता है भाई। वह 2 तरीक या 3 तरीक का हुंदा है, जो कि इस बार 2 दिसंबर का है। वह बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। सो सारिया संगतां नूं बेनती है कि उहदे विच हुम्मा मा के पहुंचण की कृपालता करनी है जी भाई, अते सेवा करके अपने जीवन नूं सफला करना है भाई। दूजी बेनती कहत जोड़ के होर है कि संगतां नूं काफ़ी देर तो काफ़ी इंतजार सी कि बाबा जी दे स्थान ते गुरद्वारा सिंह शहीदां सोहाणा विखे जो नवें श्री दरबार साहिब बन रहे सन, उन्हां दे विच प्रकाश कदों होएगा। वह बेनती बाबिया ने प्रवान कर लिती है। सो उस दे संबंध विच सानू बेनती की जाती है कि गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब भी बाबा जी दे जन्म दिहाड़े दे नाल ही आ रहे हैं, जो कि 30 नवंबर दे हैं। उस दे संबंध विच 28 नवंबर नूं श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होने हैं, जो कि उपर नवें दरबार साहिब दे विच आरंभ किए जाएंगे। तो उस दिन तो ही दरबार साहिब का आरंभ किया जाएगा, तो उत्थे प्रकाश किए जाएंगे बड़े धूमधाम नाल। सो संगतां दीआं इह बेनतियां बाबिआं ने गुरु ग्रंथ साहिब जी ने प्रवान कीतीआं हन, उन्हां दी बड़ी कृपा हुई है बाबिआं दी, संतां महापुरशां दी सब दी मेहरबान दी सदका इह प्रवानगी हुई है भाई। तो 28 तरीक नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उपर नवें दरबार साहिब विच प्रकाश हो के श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे, जिन्हां दे के 30 तरीक नूं 30 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब ते भोग पाए जाणगे। उस तो तुरंत बाद धन धन जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी शहीद उन्हां दे संबंध विच दूसरे अखंड पाठ साहिब आरंभ हो जाणगे, जिन्हां दे के 2 तरीक नूं भोग पाए जाणगे। सो संगतां नूं बेनती है कि इन्हां सारे ही प्रोग्रामां विच अपने प्रोग्राम समझ के शमूलियत करन दी कृपालता करनी है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तोए तोए पीमा मेरे सतगुरु।